हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो आर्यन देवी मंदिर है, आरा का काफी फेमस मंदिर है, उसको मैंने आपको दिखाया था। और अब हम लोग आरा रेलवे स्टेशन के पास आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर है आरा रेलवे स्टेशन। तो आज मैं आपको आरा रेलवे स्टेशन का ओवरऑल व्यू दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ का मंदिर है, जो कि माँ दुर्गा का मंदिर है, वो आपको दिखलाते हैं। तो चलिए चलते हैं और माँ का यहाँ का मंदिर है वो आपको दिखलाते हैं। और ठीक, आप देख सकते हैं आरा रेलवे स्टेशन के यहाँ पर आप बाहर में देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ दुर्गा का यहाँ पर काफ़ी भव्य यहाँ पर मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सुंदर यह मंदिर लग रहा है। तो चलिए आपको माँ का यहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं। और ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं आरा जंक्शन है यहाँ पर, और इसके बगल में आप यहाँ पर इस मूर्ति के बगल में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी बजरंग बली का काफ़ी भव्य यहाँ पर मूर्ति है। जय बजरंग बली, जय हनुमान। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर एक काफ़ी भव्य मंदिर है, जो कि माँ दुर्गा का मंदिर है, वो आपको मैंने अभी यहाँ पर दिखलाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक इसके यहाँ पर पीछे आप देखिएगा तो यहाँ पर आरा जंक्शन है। तो चलिए मैं आपको यहाँ का जो आरा जंक्शन है वो आपको दिखलाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो मंदिर जिसको मैंने आपको दिखलाया है, जो कि यहाँ पर माँ दुर्गा का मंदिर है। और इधर में आप देख सकते हैं आरा जंक्शन, जो कि काफ़ी मस्त दिख रहा है यहाँ पर आरा जंक्शन। आप देख सकते हैं कितना मस्त यहाँ पर डिजाइनिंग किया गया है, जो यहाँ पर डिजाइनिंग किया गया है ना, वाकई में काफ़ी मस्त लग रहा है हमको। और अभी आप देख सकते हैं धूप भी वहाँ पर है और यहाँ पर काफ़ी मस्त लग रहा है एकदम। आप देख सकते हैं जैसा कि पटना रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है उसी तरह का ठीक यहाँ पर जैसा डिजाइन है वही यहाँ पर लग रहा है डिजाइन यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे भारत देश का प्यारा झंडा, जो कि शान से लहरा रहा है। जय हिंद। तो अभी आपने देखा है यहाँ पर काफी मस्त यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो बनाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि पटना में आपको वहाँ पर जो दीवार जैसा लगा हुआ है ठीक उसी तरह का यहाँ पर भी डिजाइनिंग किया गया है। तो चलिए अब हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको प्लेटफॉर्म यहाँ का दिखलाते हैं आरा जंक्शन का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म तक जाने तक का यहाँ पर एस्केलेटर भी बनाया गया है, सिर्फ यहाँ पर ऊपर चढ़ने तक का एस्केलेटर बनाया गया है और इधर से नीचे आने के लिए यहाँ पर सीढ़ी है। तो काफी मस्त है यहाँ का, काफी हाईटेक भी है आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर और आपको यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको दिखलाएंगे। ये है यहाँ का एस्केलेटर और इधर में आप देख सकते हैं सीढ़ी, जो कि यहाँ पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ी है और यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए बनाया गया है। और हाँ, मैंने आपको यहाँ का टिकट घर नहीं दिखाया, तो आप देख सकते हैं ये एस्केलेटर है यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए। और ठीक यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर है यहाँ का टिकट घर। और इधर से आप देख सकते हैं यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ का प्लेटफॉर्म। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म नंबर वन है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर वन है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टोटल यहाँ चार मेन यहाँ का प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेशन पर बहुत भीड़ है और सुबह का भी वक्त है, सुबह में वैसे भी यहाँ पर बहुत यहाँ पर पैसेंजर गाड़ियाँ जाती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर वन दिखाया, जो कि वहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो प्लेटफॉर्म नंबर वन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर टू है यहाँ का। तो चलिए नीचे उतरते हैं और आपको दिखलाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर टू से यहाँ पर चढ़ने तक का एस्केलेटर बनाया गया है, लेकिन उतरने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ी है, हमको सीढ़ी से ही यहाँ पर नीचे उतरना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर टू है आरा जंक्शन का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी है। तो अभी मैंने आपको यहाँ का जो प्लेटफॉर्म नंबर टू है वो आपको दिखाया, तो चलिए अब मैं आपको यहाँ का जो प्लेटफॉर्म नंबर थ्री है वो आपको दिखलाता हूँ। तो इसके बाद और भी यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो मैं आपको दिखलाऊंगा। मतलब आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं उधर मैंने आपको वहाँ का प्लेटफॉर्म वन और टू दिखाया उधर तक का।
और इधर का भी तो मैंने आपको नहीं दिखाया, आप देख सकते हैं इधर से नज़ारा भी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो गाइज मैंने आपको वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिखाया, हमको मालूम नहीं था कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 कहाँ पर है। और ये आप देख सकते हैं जिस हम लोग ऊपर गए थे, फिर हम लोग नीचे यहाँ पर आए, और यह इसके बगल में आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैसेंजर कोई गाड़ी है यहाँ पर खड़ी है। तो चलिए और भी यहाँ पर आपको दिखलाते हैं कुछ, आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुराना यहाँ पर फुटपाथ ओवरब्रिज था वो टूट चुका है पूरा, और यह पूरा बंद हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकान है प्लेटफॉर्म नंबर 3, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्री लोग यहाँ पर ट्रेन का अपने अपने वेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रांची वीकली एक्सप्रेस यहाँ पर ट्रेन खड़ी है जो कि ये सासाराम की तरफ जाएगी, और हम लोग को भी सासाराम ही जाना है। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, 2 है और 3 आपको दिखलाया, और अब हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुके हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अभी तो यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 ही बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क में है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये ट्रैक है यहाँ पर जो कि है आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 का, और इधर में आप देख सकते हैं यहाँ का कार्यालय है। तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है इस दीवार पर जो कि मिथिला का पेंटिंग है, वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं इस दीवार पर जो कि आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का ये कार्यालय है, और यहाँ पर इस पूरा कोने कोने तक यहाँ पर आप देख सकते हैं मिथिला पेंटिंग बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो मिथिला पेंटिंग अपने आप में काफ़ी खूबसूरत होता ही है, और आप देख सकते हैं अभी मिथिला का पेंटिंग। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी जो मिथिला का पेंटिंग होता है वो मैं भी अपने नेक्स्ट आई से फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और हमको काफ़ी मस्त लग रहा है दोस्तों। से भी आप देख सकते हैं इस दीवार पर पूरा मिथिला पेंटिंग बनाया गया है, और भाई यहाँ पर देखो साफ सुथरा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ गंदगी का भरमार लगा हुआ है, ये हमको बहुत यहाँ पर दिक्कत लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पान खा कर लोग यहाँ पर दीवार पर ही थूकते हैं, यहाँ पर कोई देख रेख का व्यवस्था नहीं किया गया है। तो गाइस यही है यहाँ का आरा जंक्शन जो कि मैंने आपको दिखला दिया, काफ़ी खूबसूरत यह रेलवे स्टेशन भी है, और आपने देखा कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, और 4 वाला जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी इसका वर्क चल रहा है। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 था उसके दीवार पर काफ़ी खूबसूरत मिथिला की पेंटिंग की हुई है, और वह देखने में भाई साहब बहुत ही मस्त लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय बाय।